अस्सलाम वालेकुम, मैं तबसुम फ्रॉम बीएमएस कुंडला। बच्चों आज ये हमने चेंजिंग अर्थ जो स्टार्ट किया हुआ है, तो हमने इसमें कल अर्थ के बारे में पढ़ा हुआ था। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, पहले कि इसकी जो लेयर्स हैं, इसकी तीन टाइप की लेयर्स होती हैं, जैसे कि पी वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, दूसरी क्या होती है एस वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव, तो जैसे कि पी एस एल, एल होगी वेव्स आर सरफेस वेव्स। तो इसमें तीन टाइप्स, ये आपको याद रखना है पी एस एल। पी को किसे, पी को क्या कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव भी कहते हैं, एस को क्या कहते हैं ट्रांसवर्स वेव कहते हैं, एल को सरफेस वेव कहते हैं, तो ये आपको याद रखना है। तो उसके बाद क्या है, जैसे कि मतलब अर्थक्वेक जो होता है उसके, हमें तो ये नहीं समझ आ सकती कि अर्थक्वेक पहले नहीं पता चल सकता है, तो बहुत सारे ऐसे मतलब जैसे कि जानवर हैं, जैसे कि एनिमल्स हैं, तो उनको उनको मतलब उनकी अगर हम केस स्टडी करेंगे तो हमें थोड़ा बहुत ये वो जो हैं तो उनको समझ आ जाता है कि अर्थक्वेक होने वाला, क्योंकि जो एनिमल्स हैं तो उनको समझ आता है। जैसे कि फ़िश है, फ़िश माउंड्स में जो होती हैं वो हिलने जुलने लगती हैं इधर उधर, जो स्नैक्स हैं वो अपने बिलों से बाहर आ जाते हैं, तो ये चीज़ें उनको थोड़ा पहले पता चल जाता है कि अर्थक्वेक होने वाला है। तो इसके बाद एक केस स्टडी दिया गया बोझ का, तो वहाँ पे क्या हुआ था 26 जनवरी 2001 में बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक हुआ था 6.9, तो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ होगा। तो ये वहाँ पे क्योंकि 6.9 जो है वो बहुत बहुत ख़तरनाक अर्थक्वेक है, तो बहुत ज़्यादा हुआ था। तो अर्थक्वेक जो है, ये जो बॉक्स में लिखा हुआ है अर्थक्वेक जो है उसको हम किससे मेजर करेंगे, अर्थक्वेक जो है उसको हम सिस्मोग्राफ से मेजर करते हैं, और जो मैग्नीट्यूड जो है, मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर ऑन द रेक्टर स्केल, और किसी मैग्नीट्यूड जो है वो रेक्टर स्केल से मेजर किया जाता है। इन अर्थक्वेक ऑफ 2.0 आर लेस कैन बी फेल्ट ओनली लिटल, जो मतलब 2 पॉइंट या उससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा 2.0, तो वो थोड़ा मतलब हल्का होता है, उसे इतना समझ नहीं आता, नहीं पता चलता है। तो इन अर्थक्वेक अवर अगर 5.0 के काज डैमेज, जो जो 5.0 होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, वो बहुत डैमेज करता है। इस 6.0 और हायर मैग्नीट्यूड कैन कंसिडर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड 7.0 इज क्लासिफाइड एज ए मेजर अर्थक्वेक। तो 6.0 या 7.0 जो है वो तो मेजर कंसिडर किया जाता है, वो बहुत ख़तरनाक होता है, उससे बहुत ज़्यादा क्या होता है नुकसान हो जाता है। तो अर्थक्वेक प्रिपेयरनेस क्या होनी चाहिए, जैसे कि हमें सेफ स्पॉट्स पे रहना चाहिए, अंडर मतलब ये नहीं कि किचन में, अंडर द किचन काउंटर टेबल आर डिजायर अगेंस्ट द इनसाइड कॉर्नर ऑफ द वॉल, ऐसी जगह पे नहीं रहना चाहिए जहाँ पे शीशे वाली चिमनी हो, शीशा हो, दीवार हो, कुछ ऐसा हो, मतलब पता हमें होना चाहिए कि जहाँ पे आग लग सकती है, इन जगह से हमें दूर एक बड़े खुले मैदान में या कुछ ऐसी पक्की जगह जो हमें ये अंदाज़ हो कि ये जगह गिर नहीं सकती है, तो वैसी जगह पे हमें अर्थक्वेक के टाइम रहना चाहिए। तो हमें क्या, स्टे अवे फ्रॉम फायर प्लेसेस, एरिया अराउंड चिमनीज, विंडोज़ इन शेल्टर इंक्लूडिंग मिरर एंड पिक्चर्स, और क्या करें, हमें प्रिपेयर होना चाहिए, स्प्रेड अवेयरनेस हमें किसको, अपने दोस्त हैं जो छोटे हैं, बड़े हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, तो उनको क्या इसके बारे में अवेयरनेस हमें देनी चाहिए कि जब जब जलजला हो तो हमें उस टाइम में किस जगह पे रहना चाहिए, कैसी जगह पे रहनी चाहिए, ये नहीं कि घरों में अंदर छुप के बैठ जाने चाहिए, किसी खिड़की दीवार शीशे वाली जगह पे, वैसी जगह पे हमें बिल्कुल नहीं बैठना है। थैंक यू, कल हम इंशाल्लाह इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। अल्लाह हाफिज़।